नमस्कार दोस्तों, हम सीख रहे हैं 2D एनिमेशन और 2D एनिमेशन में आपको बता रहे थे एनिमेट सीसी के बारे में। तो दोस्तों, मैंने पीछे के वीडियो में आपको दिखाए थे इस कैरेक्टर पे जो है बोन टूल का कैसे अप्लाई करते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आज के इस वीडियो में आपको दिखाऊँगा जब हम कोई बोन टूल को अप्लाई करते हैं तो इसके जो ज्वाइंट होते हैं उसको कैसे सेटिंग करते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये मेरा कैरेक्टर है और इस पे मैंने पीछे के वीडियो में आपको देख सकते हैं बोन टूल को अप्लाई करके दिखाया था। और जैसा कि हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि इसके जो जॉइंट है यहाँ पे, इस जॉइंट को कैसे सेट करते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, अगर इस जॉइंट को इस टाइप से मोड़ते हैं तो ठीक है, लेकिन आप देख सकते हैं ये पीछे की ओर भी मुड़ रहा है, लेकिन जब हमारा हाथ अगर देखें तो सिर्फ आगे की ओर मुड़ता है, पीछे की ओर इस टाइप से नहीं मुड़ता है। तो इसके लिए क्या करते हैं दोस्तों, जब कैरेक्टर हम बनाते हैं इस पे बोन टूल अप्लाई करते हैं तो जहाँ पे भी हमको इस जॉइंट को सेट करना है उस पे हम क्लिक करते हैं। मान लीजिए इसको सेट करना है, इस पे हमने क्लिक किए। क्लिक करने के बाद यहाँ करते हैं, यहाँ पे हम सेटिंग में जाते हैं। सेटिंग में जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जॉइंट रोटेशन करके एक यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इस पे हम जो है क्लिक करते हैं। जो ही हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ एंगल शो हो रहा है, इस एंगल को हमको सेटिंग करना पड़ता है। अब जैसे कि हम यहाँ पे देखिए अभी पूरा सर्कल बना हुआ है, इस सर्कल को हम थोड़ा सा इसको कम करते हैं। हम इतना पे देखिए, आप देख सकते हैं ये सर्कल जो है हाफ हो गया है, तो मतलब है कि ये जो है ऊपर की ओर जो है सो रोटेट करेगा लेकिन नीचे की ओर रोटेट नहीं करेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, आप देखिए कुछ इस टाइप से रोटेट हो रहा है इसमें, लेकिन जब आप पीछे करते हैं तो आप देख सकते हैं इतना पे आके ये रुक जा रहा है, इसके आगे आप इसको रोटेट नहीं कर सकते हैं। आप देख सकते हैं रोटेट नहीं हो रहा, तो अभी भी थोड़ा सा हमको लगता है ज़्यादा है, तो हम इसको क्या करते हैं यहाँ पर जो रोटेशन है इसको मैं जीरो कर देता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे रखते हैं। अब देखते हैं, अब देख सकते हैं ये जो है हाथ बिल्कुल सीधा हो गया, लेकिन इसको जो है हम इस टाइप से मुड़ नहीं सकता है। ये ऊपर की ओर मुड़ रहा है लेकिन नीचे की ओर नहीं मुड़ रहा है, तो इस टाइप से इसको हम सेट कर दिया। अब इसको हम सेट करते हैं तो ये हमारा क्लिक करते हैं इस पर और यहाँ पर जो रोटेशन है यहाँ पर जॉइंट रोटेशन इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखिए कुछ इस टाइप से रोटेशन है, तो मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ इस टाइप से। अभी देखिए कुछ इस टाइप से रोटेट हो रहा है, लेकिन हमारा इतना हम पीछे की ओर भी रोटेट करते हैं, इससे ज़्यादा हम नहीं करना चाहते हैं, तो हमने इसको इस टाइप से सेट कर दिया। अब इसी टाइप से हम जो है आप देख सकते हैं ये पूरा हाथ जो हमारा रोटेट हो रहा है, इस टाइप से मेरा हाथ रोटेट नहीं होना चाहिए, तो हम क्या करते हैं इसको थोड़ा सा हम इस पर क्लिक करते हैं, रोटेशन पे क्लिक करते हैं और इसको मैं बढ़ा देता हूँ इस टाइप से इतना। आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप से जो है हमारा रोटेशन होना शुरू हो गया है। तो इसी टाइप से हम इस पर भी क्लिक करते हैं, इस पर क्लिक करने के बाद हम जॉइंट पे क्लिक करते हैं और इसको मैं इस टाइप से, तो हमारा क्या है कि इसको हमको इस टाइप से मोड़ना है। अभी देखिए इधर मोड़ना बंद हो गया लेकिन ये उल्टा हो रहा है, तो हम क्या करेंगे इसको बंद करना है, तो हम इसको पहले सीधा करते हैं और इसको करते हैं जीरो और इसको हम रोटेट करते हैं इस टाइप से। अब देखते हैं, देखिए आप इस टाइप से हाथ मोड़ना हो गया लेकिन पीछे की ओर ये नहीं मुड़ रहा है। इसी टाइप से पैर को भी हमको करना पड़ेगा कि पैर हमारा जो है इस टाइप से नहीं मुड़ता है, हमारा पैर इस टाइप से मुड़ता है, तो हम इस पर क्या करेंगे क्लिक करते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे जॉइंट रोटेशन पे क्लिक करेंगे और इसको मैं जीरो करता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ इस टाइप से। अभी देखिए इधर बंद हो गया और इधर हो रहा है, तो मतलब अभी उल्टा हो गया, तो हम क्या करेंगे इसको मैं करता हूँ जीरो
और इसको बढ़ाते हैं इस टैब से। यहां तक अब देखिए हाफ दिख रहा है, तो मतलब है कि ये इस टैब से मुड़ेगा लेकिन आगे की ओर ये नहीं मुड़ेगा। इसी टैब से इस पर क्लिक करते हैं, ज्वाइंट पे क्लिक करते हैं, इसको जीरो करते हैं और इसको हम मोड़ते हैं इस टैब से। यहां पर देखिए आप हाफ सर्कल दिख रहा है, तो इस टाइप से ये मुड़ रहा है लेकिन आगे की ओर नहीं मुड़ेगा। इसी टाइप से इसको भी आप कर सकते हैं, यहाँ पे इसको सेलेक्ट किए और जॉइंट रोटेशन पे क्लिक करते हैं, इसको थोड़ा सा हम मुड़ने देते हैं और इसको मैं इस टाइप से मोड़ देता हूँ। ये जो है आप देख सकते हैं ये इतना मुड़ेगा, अभी ज़्यादा मुड़ रहा है और इधर ये इतना मुड़ रहा है। हम इसको भी थोड़ा सा और कम कर देते हैं, इतना कम कर देते हैं, अभी देखते हैं। ये देखिए इतना पे मुड़ रहा है और ये इतना पे मुड़ रहा है। तो इसी टाइप से हम क्या करेंगे, इसको भी थोड़ा सा जो ज़्यादा है उसको कम कर देते हैं। ये इतना पे अभी देखिए इतना ज़्यादा नहीं मुड़ रहा। तो दोस्तों इस टाइप से जो है इसको हम सेट करते हैं कि हमारा शरीर जो है कितना मुड़ना चाहिए। अब ये हेड है, हेड को भी हमको सेट करना है, तो आप इस पे रोटेशन पे क्लिक करते हैं और इसको मैं इतना करता हूँ और इसको इतना, मतलब जितना मुड़ना चाहते हैं। अब देखिए ये इतना मुड़ रहा है, हमें अभी और कम करना है, तो हम क्या करते हैं इसको इतना पे रखते हैं। अब देखिए ये सिर्फ इतना ही मुड़ेगा और ये आगे ज़्यादा मुड़ रहा है, तो हम आगे भी इसको कम कर देते हैं। अभी भी ज़्यादा है तो हम और थोड़ा सा कम कर देते हैं। ये इतना मुड़ रहा और इतना मुड़ रहा है, ठीक है। तो आपको अपने कैरेक्टर को किस हिसाब से इसके रोटेशन करना हो है उसको आप यहाँ से सेट कर सकते हैं ज्वाइंट रोटेशन के अकॉर्डिंग। तो ये था दोस्तों, हमने पीछे के वीडियो में आपको दिखाए थे बोन टूल का, और आज की इस वीडियो में आपको दिखाया हूँ कि बोन टूल को हम सेटिंग कैसे करते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगर दोस्तों मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे मैं कोई भी आगे वीडियो लेकर आऊँ तो उसका अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए थैंक यू।